हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आप देखते जाइए हम करेंगे क्या यहाँ पे। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, पुट एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ ए टेन थीटा। एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, ए टेन थीटा। आप समझते जाना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो ए टेन थीटा पुट कर दिया मैंने एक्स की जगह, तो क्या होने वाला है आपको मिलेगा टेन इनवर्स थ्री ए स्केयर, और यहाँ पे एक्स की जगह ए टेन थीटा लिखोगे और ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। बिल्कुल आसान है, अपॉन में ये आपका ए क्यूब और यहाँ पे ये आपका माइनस थ्री ए इंटू ए टेन ए स्केयर टेन स्केयर थीटा, ए स्केयर टेन स्केयर थीटा, क्योंकि एक्स की जगह ए टेन थीटा रखोगे तो ए स्केयर टेन स्केयर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये ए स्केयर इंटू ए ए क्यूब, ये ए क्यूब नीचे भी ए क्यूब और ये ए इंटू ए स्केयर ए क्यूब, ऊपर से ए क्यूब कॉमन, तो क्या बच गया, एक तो थ्री टेन थीटा बच गया, थ्री टेन थीटा, और एक माइनस का टेन क्यूब थीटा। नीचे से भी ए क्यूब कॉमन, तो ए क्यूब नीचे से कॉमन ले होगे, तो यहाँ पे तो वन माइनस थ्री, ये ए क्यूब कॉमन गया, ए इंटू ए स्केयर क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब कॉमन गया तो थ्री बचा और टेन स्केयर थीटा बचा, टेन स्केयर थीटा बचा। अब क्या हुआ, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। अब देख सकते हो आप, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्केयर थीटा, एक फॉर्मूला होता है ध्यान हो आपको, किसका, टेन थ्री थीटा का। बिल्कुल अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, क्लास इलेवेंथ में ये फॉर्मूला हमने सीखा था। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्केयर थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा आ गया। अब इसको लिख सकते हो आप थ्री थीटा, थ्री थीटा कब लिख सकते हो, थ्री थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए, थ्री थीटा किस में होना चाहिए, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में होना चाहिए। ये काम करना चाहो तो कर दो, नहीं जरूरी नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये थ्री थीटा आपका इसके अंदर है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। कैसे, देखिए आपके पास क्या गिवन है, माइनस ए बाई रूट थ्री और ए बाई रूट थ्री के बीच में क्या है, एक्स है। तो एक्स की जगह आप क्या लिखने वाले हो, ए टेन थीटा। एक्स की जगह क्या लिखने वाले हो, ए टेन, ए टेन थीटा लिखने वाले हो, ए टेन थीटा ए अपॉन रूट थ्री। अब तीनों जगह से ए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन बाई रूट थ्री और यहाँ से टेन थीटा और यहाँ से वन बाई रूट थ्री, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो टेन थीटा किसके बीच में है, माइनस वन बाई रूट थ्री से वन बाई रूट थ्री के बीच में, तो थीटा किसके बीच में होगा, थीटा आपका किसके बीच में होगा, माइनस पाई बाई सिक्स से थीटा आपका बीच में होगा, माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स के बीच में, क्योंकि टेन पाई बाई सिक्स वन बाई रूट थ्री और टेन माइनस पाई बाई सिक्स माइनस वन बाई रूट थ्री। अब अपने को तो क्या चाहिए, थ्री थीटा चाहिए, किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ना तीनों को, तो तीनों साइड थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे आपका थ्री थीटा और यहाँ पे आपका पाई बाई टू, तो थ्री थीटा किसके बीच में आ गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ये काम करके दिखाना है हमें, करके दिखा दिया, नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो थ्री थीटा आ गया आपका, थ्री थीटा किसके बीच में दिखा दिया, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में दिखा दिया। अब देखो कुछ नहीं है, बस अब थ्री इंटू थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ से आपका टेन थीटा क्या मिलेगा, एक्स बाई ए, टेन थीटा क्या मिलेगा, एक्स बाई, और थीटा क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थ्री इंटू क्या लिख दोगे, थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये आपकी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, बहुत आसान, बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं किया, बस एक फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए क्लास इलेवंथ का, टेन थ्री थीटा का, वो यूज हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, इलेवन में कह रहा है कि वैल्यू निकाल के दिखाओ, इसकी क्या निकाल के दिखाओ, वैल्यू देखो सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें करना, क्या आपको साइन इनवर्स वन बाई टू, साइन इनवर्स वन बाई टू को आप लिख सकते हो पाई बाई सिक्स। देखो वो घिसी पिटी बातें नहीं करनी, आप समझ चुके होंगे सारी चीज़ें, कि आप यूँ करते साइन इनवर्स, आप वन बाई टू को लिखते साइन पाई बाई सिक्स और फिर आप लिखते पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, जब एक्स किस में बिलोंग करे,
क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये चीज़ें अब हमें बहुत शॉर्ट में आनी चाहिए, बहुत डायरेक्ट हम देखते ही लिखना चाहिए हमें इनको। साइन इनवर्स वन बाई टू को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई सिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेन इनवर्स टू कोस, और ये टू इन टू, ये कितना, पाई बाई सिक्स। अब थ्री पे जाएगा ये, तो कोस पाई बाई थ्री बच गया, टेन इनवर्स टू, ये कोस पाई बाई थ्री। और मेरे भाई कोस पाई बाई थ्री कितना होता है अपना, कोस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू होता है। कोस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, टू से टू कैंसिल। अब क्या बचा, टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन को क्या कह सकते हो, पाई बाई फोर। तो ये इसकी वैल्यू है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान सा काम किया हमने। साइन इनवर्स वन बाई टू को पाई बाई सिक्स लिखा, फिर सॉल्व किया, फिर बना कोस पाई बाई थ्री, बना कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू रख दी वन बाई टू, इस टू से ये टू कैंसिल, टेन इनवर्स वन बना, टेन इनवर्स वन को क्या लिख दिया, पाई बाई फोर। आपकी वैल्यू आपके सामने, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में वैल्यू पूछे इनकी, बता देंगे वैल्यू, सिंपल। देखो कोट टेन इनवर्स है प्लस कोट इनवर्स है, तो आप लिख सकते हो कोट पाई बाई टू, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हमने क्या पढ़ा है, पाई बाई टू पढ़ा है, आता है हमें पहले से पता है। और कोट पाई बाई टू क्या होगा, जीरो। भाई टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए को पाई बाई टू कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। तो कोट पाई बाई टू, और इसको कह सकते हो जीरो, ये इसकी वैल्यू है, बिल्कुल आसान, ठीक है। अब ये देखो इसकी भी वैल्यू बतानी है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल, टेन वन बाई टू ये बाहर, और ये फॉर्मूला है देखो, ये किसका है, टू टेन इनवर्स एक्स का, ये भी फॉर्मूला है किसका, टू टेन इनवर्स वाई का। दोनों फॉर्मूले अच्छे से बताए मैंने, बहुत बढ़िया ढंग से, अलग से वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बता रखा है। टू कॉमन निकालो, टू कॉमन निकालो, टू से टू बाहर वाले, टू से टू कॉमन आने के बाद कैंसिल, तो क्या बचेगा, टेन, अंदर क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब टेन इस पर क्या लगाओगे, फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बिल्कुल फास्ट आप लगा सकते हो फॉर्मूला, टेन ऑफ टेन इनवर्स। देखो एक प्रॉपर्टी है जो मैंने अब तक डिस्कस नहीं किया, बता देता हूँ, क्योंकि उसका यूज़ कहीं दिखा नहीं मेरे को, अब लग रहा है मेरे को उसका यूज़ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका होता है एक्स, हमने अब तक ये प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी थी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये होता है एक्स। अब एक अलग से है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स, ऐसे ही कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स, और वहाँ पे क्या होता था, कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स। तो सिंपल सी है बिल्कुल, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स। तो यहाँ पे टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स होगा, एक्स कौन है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये आपकी इसकी वैल्यू है, बिल्कुल आसान, आप देख सकते हो, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले लगाए, प्रॉपर्टी लगाई, आसानी से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे ही आपका कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स, एक्स होगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एक्स होगा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या होगा, एक्स होगा। ये याद कर लेना, ये कुछ जगह पे काम आ जाती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की, बता देंगे देखो कैसे। आप इसको यूँ लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ठीक है भाई। साइन इनवर्स साइन समथिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स साइन x, तो क्या हो गया आपका x, और इधर साइन इनवर्स 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, क्या मैं साइन इनवर्स 1/5 को यूँ लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस में कोस इनवर्स 1/5, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 क्या होगा, पाई बाई टू। यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू निकालना, पाई बाई टू माइनस में कोस इनवर्स 1/5 लिख दिया, प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू। साइन इनवर्स 1 को पाई बाई टू लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की जगह साइन पाई बाई टू, तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है,
मैंने बताया, आप डायरेक्ट करने लग जाओ चीज़ों को। साइन इनवर्स वन को आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, पाई बाई टू। मैंने समझा भी दिया आपको, पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, कॉस इनवर्स वन बाई फाइव उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, वन बाई फाइव। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, वन बाई फाइव। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई फाइव, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं क्या, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। 15 में भी यही कह रहा है कि यदि ये है तो आप x की वैल्यू बताओ। तो सिंपल देखो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन x प्लस टू। पाई बाई फोर को क्या मैं tan इनवर्स वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan इनवर्स वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स वन। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में वन माइनस x इंटू एक्स इंटू वाई। फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बस अब सिंप्लीफाई करते हैं, चल क्या रहा है tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1। थोड़ी देर के लिए सारे को x मान लो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अपना tan इनवर्स यहाँ से हट जाएगा दोनों जगह से। ठीक है, ये करना अगले स्टेप में। अब क्या करना है, LCM लो, ऊपर LCM लोगे तो x माइनस टू और x प्लस टू LCM होगा अपना, यहाँ से कितना आएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ से x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये सब काम अपने को आते हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें। नीचे भी LCM लेंगे हम, क्या x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, और माइनस ये अपना क्या रहेगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और ये सारी चीज़ें किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। x माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू कैंसिल। अब ये देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, मतलब कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स करोगे तो प्लस का माइनस का एक्स, सॉरी एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस का एक्स, और माइनस वन की टू से माइनस टू, इनकी मल्टीप्लाई ऐसे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो प्लस एक्स स्क्वेयर और आपका माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स और माइनस का टू अपॉन में ये आपका फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो एक्स स्क्वेयर माइनस फोर देख सकते हो आप, और यहाँ पे माइनस लगा के एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस अंदर जाएगा, तो इसको तो माइनस का कर देगा, जो माइनस का था उसको क्या कर देगा, प्लस का, इज इक्वल टू वन। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो इससे आगे, जो तरीका था वो मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, आगे ये आप खुद भी कर सकते हो चाहो तो। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर अपना कैंसिल, तो माइनस थ्री बचा, माइनस थ्री उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कर लेंगे एक्स स्क्वेयर एक्स, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, और एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू माइनस टू माइनस का फोर, और ये माइनस थ्री उधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस थ्री बन गया, तो टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर उधर जाएगा तो वन बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन बाई रूट टू। ये आपका आंसर है, ये आपकी एक्स की वैल्यू, आपको एक्स की वैल्यू फाइन करनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन को निपटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में वैल्यू पूछ रहे हैं किसकी, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री की। तो हमने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है अपना कब, जब एक्स बिलोंग करे क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। क्या ये एक्स क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, नहीं है, क्योंकि ये 120 डिग्री आप सोल्व कर सकते हो, डिग्री में बदल के देखो
पाई की जगह जब आप 180 लिखोगे फिर सोल्व करोगे तो 120 आएगा, 120 तो इसमें नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, इसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है ताकि ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में आ जाए ये चीज़। तो क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स, साइन हम 2 पाई बाई 3 को क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, आप देख सकते हो इसको सोल्व करना, 3 एलसीएम तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आएगा, 2 पाई बाई 3 को आप ऐसे लिख सकते हो तोड़ के। अब देखो साइन इनवर्स, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट आप लिखोगे साइन पाई बाई 3, और अब बताओ साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 को आप पाई बाई 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्योंकि पाई बाई 3 किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। तो कितना आसान है, देखो डायरेक्ट मत लिख देना साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3, क्योंकि 2 पाई बाई 3 तो किस में नहीं है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं है, ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो समझ के करने ये क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इसी वजह से पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन मिलेगा आपको जरूर एक पक्का 2 पाई बाई 3, और आप उस पर क्लिक करके पा रहोगे, खुश हो जाओगे ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी क्या वैल्यू, तो ऐसे ही टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 मत लिखना क्योंकि 3 पाई बाई 4 आप इसको डिग्री में करके देख सकते हो, कभी भी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में नहीं होगा, देख सकते हो आप। ठीक है, तो करना क्या है, ब्रेक करना इसको भी, टेन इनवर्स टेन, क्या मैं 3 पाई बाई 4 को यूँ लिख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई 4, ये बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सॉल्व करके देखो पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 ही आएगा। अब देखो टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस टेन पाई बाई 4, क्लास 11th का बेसिक, बहुत आसान। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई 4 को क्यों ये लिख सकता हूँ टेन माइनस पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि tan माइनस थीटा अपना क्या होता है, माइनस का tan थीटा, तो क्या हम माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो माइनस tan पाई बाई 4 को क्या लिख लिया, tan माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स tan समथिंग, क्या समथिंग अपना ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, बिल्कुल है मेरे भैया, बिल्कुल आप देख सकते हो, तो आप इस tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 4, बिल्कुल आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल चुके। ठीक है, तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। बाहर टेन है, अगर अंदर कैसे भी करके मैं टेन इनवर्स बना दूं इन दोनों से, तो अपना क्या हो जाएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स, कब, जब एक्स बिलोंग्स करे रियल नंबर में, अभी थोड़ी देर पहले बता क्या थे प्रॉपर्टी, अभी है ना, क्योंकि हमने tan इनवर्स tan x ये प्रॉपर्टी तो सीखी हुई है पहले से, x होता है, x बिलोंग करे ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और ये प्रॉपर्टी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। ठीक है, और ये आपको ध्यान भी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया था sin ऑफ sin इनवर्स x, x होता है, ठीक है, और x अपना बिलोंग करेगा किस में, क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस वन से वन तक की चीज़ रख सकते हैं, यहाँ पे हम x की जगह रियल रख सकते हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल, ये x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन क्लोज इन टू, ऐसे ही कोस ऑफ कोस इनवर्स x x होता है, बताई थी थोड़ी देर पहले मैंने। अब देखो हम क्या करेंगे, अंदर कैसे भी करके tan इनवर्स बनाएंगे, अच्छा क्वेश्चन, आपको ऐसे करना है हर बार, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो tan, मैं यहाँ पे tan इनवर्स बना दूँ इसको और इसको tan इनवर्स बना दूँ तो बात बन जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लग जाएगा, फिर tan इनवर्स बन जाएगा वो अकेला, फिर tan ऑफ tan इनवर्स से वो सोल्व हो जाएगा, तो ये तो tan इनवर्स बनने के लिए तैयार है, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स 1 बाई एक्स आपका क्या होता है, cot इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, सेपरेट वीडियो बना रखी उसमें मैंने पढ़ाई है, और आप देख सकते हो आपकी बुक में भी मिलेगी, तो यहाँ से तो cot इनवर्स 3 बाई 2 तो tan इनवर्स में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि cot इनवर्स 3 बाई 2 अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसको देखते हुए ये tan इनवर्स कितना बनेगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 3 बाई 2 बनेगा जो क्या हो जाएगा 2 बाई 3, तो cot इनवर्स 3 बाई 2 को तो हम tan इनवर्स 2 बाई 3 लिख देंगे, tan इनवर्स 2 बाई 3 लिख देंगे। अब sin इनवर्स 3 बाई 5 को हम tan इनवर्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, तो क्या मैं लेट कर सकता हूँ sin इनवर्स 3 बाई 5 को थीटा, बिल्कुल,
तो यहाँ से 3/5 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपका ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो अपने पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो कितना है 3, हाइपोटन्यूज कितना है 5, और पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से आप टेन इनवर्स बनाओ, कोट इनवर्स बनाओ, सब कुछ बनेंगे। देखो मैं टेन इनवर्स बना के दिखाता हूँ आपको। मैं टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, लिख सकता हूँ इससे। और थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। आप समझते जाओ, मैं स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ चीज़। टेन थीटा को मैंने 3/4 लिख दिया इससे, और थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स 3/4। देखो साइन इनवर्स 3/5 थीटा था, बिल्कुल था, तो हम थीटा क्या ले आए, टेन इनवर्स 3/4। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 3/4, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 थीटा था, और थीटा हम क्या ले, टेन इनवर्स 3/4, तो हम साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को हम टेन इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप स्टेप टू स्टेप देखना, अगर ये नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे आप वीडियो को बैक करो और इसमें देखो, सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। आराम आराम से समझो, सब चीज़ों को बिल्कुल समझ में आएंगी। तो बस अब साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स 3/4। ये सारा काम आपको करके दिखाना है आंसर शीट पे UQ, ठीक है। ये काम करके दिखाना है, मैंने साइड में इसलिए लिख दिया ताकि क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ, ये काम करना आपको सीट पे। अच्छा भाई, तो अब टेन फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में वाई, एक्स इंटू में वाई, सॉल्व कर लेते हैं। टेन इनवर्स 12 LCM ऊपर, तो यहाँ से कितना आएगा, 9 प्लस का 8, 9 प्लस का 8, और नीचे भी आपका ये 12 LCM, तो 12 में से आपके 6 गए तो बचेगा 6, सॉल्व करोगे तब 12 से 12 कैंसिल, 9 और 8 17, 17/6 आ गया। तो tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 को आप क्या लिख सकते हो, 17/6, और आप देख सकते हो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 17/6 किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में, देख सकते हो आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त है, महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे से ये करना आपको, ठीक है। इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बुक में करके देखना, किसी साइन इनवर्स है तो उसको टेन इनवर्स बना सकते हो, कोट इनवर्स भी बना सकते हो, इससे कुछ भी बना सकते हो ना, ट्रायंगल का यूज करके, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बना लो, कोट इनवर्स बना लो, सेक इनवर्स बना लो, कुछ भी बना लो, बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये ऑप्शन के क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखते हैं। देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स होता है कब, जब एक्स बिलोंग करे क्लोज इंटरवल 0 से π में। क्या हम इसको कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को इज इक्वल टू 7π/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 7π/6 क्लोज इंटरवल 0 से π में नहीं है, आप इसको डिग्री में बदल के देख सकते हो, तो ये नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर पहले समझाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने, कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, π+π/6 लिख सकता हूँ, क्योंकि π+π/6 को सोल्व करोगे तो 7π/6 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस π+π/6, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस π+π/6 को क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस π/6, यही लिखोगे। अब भी बात नहीं बनी क्योंकि माइनस बीच में दिक्कत डाल रहा है। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अब कॉस इनवर्स, अब फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, माइनस कॉस π/6 को क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, cos π - π/6, बिल्कुल लिख सकता हूँ, cos π - π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट, जो क्या होता है -cos π/6, cos π - π/6 क्या होता है, -cos π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए नेगेटिव है ना। तो इसको हम
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वजह से ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, दोनों चीज़ें इक्वल है तो कर सकते हैं इसको ऐसा हम, ठीक है। अब देखो कोस इनवर्स, इसको सोल्व कर लो, कोस पाई माइनस पाई बाई सिक्स को आप लिखोगे फाइव पाई बाई सिक्स, एल सी एम लिख के जब सोल्व करोगे अंदर अंदर। अब देखो फाइव पाई बाई सिक्स क्लोज इंटरवल जीरो से पाई में है, बिल्कुल है, तो आप लिख सकते हो कोस इनवर्स कोस फाइव पाई बाई सिक्स को क्या लिख सकते हो, फाइव पाई बाई सिक्स, क्योंकि ये फाइव पाई बाई सिक्स किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई के अंदर, और आपका इसमें ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें क्या दे रखा है फाइव पाई बाई सिक्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20, इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई और पूछा है कि कौन सा ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा चार ऑप्शन में, ठीक है। तो बस हो जाते हैं शुरू, तो सिंपल है, बहुत आसानी है। तो साइन, ये तो आपका पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पता है ये शुरू में करवा दिए थे मैंने, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स को आप साइन माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हो आप, क्योंकि माइनस पाई बाई सिक्स किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। तो कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को हम लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई सिक्स, तो माइनस ये वाला माइनस इससे पाई बाई सिक्स, तो प्लस पाई बाई सिक्स आ गया आपका। सोल्व कर लेते हैं, साइन एलसीएम कितना, एलसीएम आपका सिक्स यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो टू पाई प्लस का पाई, तो साइन थ्री पाई बाई सिक्स मेरे भाई, साइन थ्री पाई बाई सिक्स, और ये बना आपका कट के साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है वन। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका डी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी यही कहा है इसने कि चार ऑप्शन हैं, इनमें से किसके इक्वल है, ठीक है। तो सॉल्व करने लग जाते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री आपको अच्छे से पता है, खूब सॉल्व किए थे मैंने शुरुआत में, टेन इनवर्स रूट थ्री कैसे सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई थ्री, रूट थ्री को ओनली लिख सकता हूँ। अब tan इनवर्स tan x, x होता है कब, जब x किस में बिलोंग करे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, तो पाई बाई थ्री किसके बीच में, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, ठीक है। आप इसकी जगह तो क्या लिख सकते हो, पाई बाई थ्री लिख सकते हो। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, cot इनवर्स माइनस रूट थ्री, देखो cot इनवर्स इसको क्या मैं माइनस cot पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ, कोट पाई बाई सिक्स क्या होता है, रूट थ्री आगे माइनस का माइनस है, ठीक है। अब देखो कोट इनवर्स क्या मैं इसको यू लिख सकता हूँ, कोट पाई माइनस में पाई बाई सिक्स, क्यों, क्योंकि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा अब देखना। कोट इनवर्स क्या आप माइनस कोट पाई बाई सिक्स को कोट पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि कोट पाई माइनस पाई बाई सिक्स क्या होता है, माइनस कोट पाई बाई सिक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव पाई है, तो कोट का कोट साथ में पाई बाई सिक्स, अरे कोट पाई माइनस में थीटा आपने क्या पढ़ाया हमेशा, माइनस कोट थीटा पढ़ाया है, तो वही तो चीज़ है। तो क्या माइनस कोट थीटा को मैं कोट पाई माइनस थीटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे माइनस कोट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोट पाई माइनस में थीटा। अब देखो कोट इनवर्स कोट फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा, ये सोल्व होके हो जाएगा। अब कोट इनवर्स कोट एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, एक्स होता है कब, जब एक्स बिलोंग करे ओपन इंटरवल जीरो से पाई में, क्या कोट इनवर्स कोट x इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो x आया आपका 5 पाई बाई सिक्स किस में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल जीरो से पाई में करता है, ठीक है, लिख सकते हो आप। अब बस ये तो सोल्व होके 5 पाई बाई सिक्स आ गया, ये सोल्व होके पाई बाई थ्री आ गया, दोनों वैल्यू रख दो, इसकी जगह तो पाई बाई थ्री और इसकी जगह 5 पाई बाई सिक्स, सोल्व करो एलसीएम लो 6, तो ये कितना है यहाँ से 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई माइनस में 5 पाई, ठीक है। और भाई
आपका ये सोल्व हो गया 2π - 5π कितना हो जाएगा -3π/6 -3π/6 और ये आया -π/2। ऑप्शन देखते हैं -π/2 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। ठीक है तो अच्छे से मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया एक्सरसाइज में, कोई जल्दबाजी नहीं की, एक एक क्वेश्चन को डिटेल से बताया। ठीक है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है बढ़िया आपको समझाया है मैंने तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।